আমাদের টিচারদেরকে খুবই ভয় পেতাম। হ্যাঁ স্যার, এত কিছু মনে রাখে কিভাবে? আমরা কেন পারি না? পরিবেশ পুরোটাই হচ্ছে আমাদের জন্য শিক্ষা। মানুষ কিভাবে আমাকে ঠকাচ্ছে! দরিদ্রতা এমন একটা জিনিস যে আসলে কোনো লজ্জা নেই। তার হচ্ছে করোনার কারণে তার কিন্তু চাকরি চলে গিয়েছিল, এবং সেই কারণে স্বাগতম সবাইকে বিচ্ছরিয়েশনে। আমরা চলে এলাম আজকে আপনাদের সঙ্গে আরেকটি ভিডিও শেয়ার করার জন্য। আর আজকে আমরা আপনাদেরকে সঙ্গে নিয়ে যে ভিডিওটি দেখব, সেই ভিডিওর টাইটেল হচ্ছে টিচার্স ডে খান স্যার। ভিডিওটি টিচার্স ডেতে বের করেছিল খান স্যার। আমরা ভিডিওটি কিছুদিন পরে দেখছি, কারণ ভিডিওটি আমাদের দেখা হয়নি, আপনাদের সঙ্গে দেখে শেয়ার করি। আর আমার কাছে মনে হচ্ছে খান স্যারের ভিডিও আমরা অনেকদিন পরে দেখলাম। ওনার অনেকদিন ওনার ভিডিও দেখা হয় না আর কি। তো এই ভিডিওটি নেওয়া হয়েছে ওনার ইউটিউব চ্যানেল খান জিএস রিসার্চ সেন্টার থেকে। তো ওনার অরিজিনাল ভিডিওর লিঙ্কটা আমাদের ভিডিওর নিচে দেওয়া থাকবে, চাইলে আপনারা সেখান থেকে অরিজিনাল ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন। তো চলুন দেখি খান স্যার কি বলেছেন এই ভিডিওর মধ্যে। জয় হিন্দ। আপ সভি কো শিক্ষক দিবস কি ঢের সারি শুভকামনায়। आपके हमारे या दुनिया के कोई भी इंसान हो, उस सबके जीवन में सफलता का सबसे बड़ा अगर किसी का हाथ होता है तो वो उसके शिक्षक का होता है। हम सभी के जीवन की जो सबसे पहली शिक्षक होती है वो हमारी माँ होती है। वो हमें ही सबसे पहले अक्षर ज्ञान वगैरह सिखाती है। सबके सफलताओं में शिक्षक का, अलग अलग शिक्षकों का हाथ होता है। वो नर्सरी से लेकर हमें पूरे हायर एजुकेशन तक पढ़ाते हैं। आज के दिन हम अपने सभी शिक्षकों को हाथ जोड़कर नमन करते हैं जिन्होंने हमको इतना पढ़ाया लिखाया, जो आज हमको काबिल बनाया। उन सभी शिक्षकों को हमको कहते हैं। बहुत सारे शिक्षक हमारे बीच हैं और हमारे बहुत सारे शिक्षक अब इस दुनिया में नहीं हैं। भगवान उन्हें स्वर्ग से भी ऊपर वैकुंठ धाम में स्थान दे, जिन्होंने बहुत ही लगन से मेहनत से पढ़ाया था। वो दौर जब हम लोगों का था तो एक शिक्षक के प्रति बड़ा एक डर रहता था, जैसे स्कूल या कॉलेज के ग्राउंड में टीचर्स को देख लेते थे, डर जाते थे लोग। बट आज के वक्त में हम देख रहे हैं धीरे धीरे इस चीज़ का नैतिक पतन होते जा रहा है। भारत में शिक्षकों की या शिक्षा की बहुत पुरानी परंपरा, ये हमें विश्व गुरु कहा जाता है। अब आप कहेंगे सर ये विश्व गुरु का मतलब क्या होता है, ऐसे ही भारत को विश्व गुरु कहा क्यों कहा जाता है? तो आप एक एग्जांपल से समझिए। हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति उस समय के 94 में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे। 1994 में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत से आधिकारिक दौरा पर ओमान गए। ओमान की राजधानी मस्कत पर जब हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का हवाई जहाज लैंड किया तो ओमान के जो किंग थे, वहाँ के राजा, वो कभी किसी को रिसीव करने एयरपोर्ट पर नहीं जाते। ये प्रोटोकॉल मतलब नियम कानून होता है। किसी देश के राष्ट्रपति वगैरह नहीं जाते जब तक कोई बहुत खास मेहमान नहीं आ जाता। और लेकिन वहाँ पर किंग जो है वो प्रोटोकॉल तोड़ दिए, और अमूमन अगर कोई प्रोटोकॉल तोड़ के आता भी है तो वो रिसीव करने के लिए नीचे खड़ा रहता है और राष्ट्रपति खुद उतर के आते हैं। लेकिन ओमान के राजा के, यानी ओमान के किंग के साथ ऐसा नहीं हुआ। हमारे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा अभी हवाई जहाज में बैठे ही थे तो ओमान के किंग सीढ़ियों से चढ़कर खुद गए और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को उनके सीट के पास से जाकर रिसीव करके उन्हें लेकर आए थे। जब ड्राइवर्स और बॉडीगार्ड ने उनको कहा गाड़ी में बैठे, तो वहाँ के किंग ने ड्राइवर को हटाकर खुद ड्राइव किए थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के गाड़ी को, हमारे राष्ट्रपति साहब के, और उन्हें इतना इज्जत दिया गया था जो इससे पहले ओमान में किसी विदेशी गणमान्य को ऐसी इज्जत नहीं मिली थी। जब मीडिया वालों ने उनसे पूछा कि आखिर शंकर दयाल शर्मा में ऐसा क्या खास है जो आपने इतने सारे प्रोटोकॉल्स तोड़ दिए, आज तक किसी राजा या किसी देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को इज्जत नहीं मिली, तो ओमान के किंग ने कहा कि जब मैं स्टूडेंट था और भारत में पढ़ाई कर रहा था तो उस समय पुणे में जब उनकी पढ़ाई चल रही थी ओमान के किंग के, तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा वहाँ पे उनके शिक्षक थे, वो वहाँ पे प्रोफेसर थे। तो उनका कहना था मैंने किसी राष्ट्रपति या इज्जत नहीं दिया बल्कि मैंने अपने गुरु को ये सम्मान दिया, उन गुरु के लिए मैंने इतने सारे प्रोटोकॉल तोड़े। इसलिए भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। आज तक बहुत सारे लोग भारत में आते हैं शिक्षा लेकर और बड़े बड़े पोस्ट पर पहुंचे हैं। उसके बाद से अभी तक कई सारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अलग अलग देशों के ओमान में गए, लेकिन उन्हें जो प्रोटोकॉल के तहत ही एक सम्मान मिला वो सम्मान आज तक किसी को ओमान के किंग द्वारा नहीं मिला जो हमारे शंकर दयाल शर्मा जी को मिला था। हमारे शिक्षक हमको एक टीचर के साथ साथ एक दोस्त, एक गार्जियन की भी भूमिका में रहे। हमारा लाइफ का सपना था कि हम फौज में जाएं। हमने एग्जाम भी दिए थे एनडीए वगैरह कई सारे डिफेंस के लिए, लेकिन मेरे साथ एक गड़बड़ी था कि मेरा हाथ टेढ़ा था, ये एंगल वगैरह बहुत ज़्यादा मेरा हाथ टेढ़ा है, तो मेडिकली अनफिट होने की वजह से हमारा फाइनली सिलेक्शन नहीं हो सकता था। हम काफ़ी फ्रस्ट्रेट हुए थे कि हम क्या कर सकते हैं। तो हमारे टीचर ने मजाक में कहा था कि तुम एक काम करो, तुम दूसरे को पढ़ाओ, तुम्हारा हाथ टेढ़ा है तो क्या हुआ, दूसरे का करियर सीधा कर दो। टीचर्स ने हर वक्त में मोटिवेशन किया, क्या टीचर मोटिवेशन, कभी मार्क्स खराब आ जाना, कभी इस सब में, तो टीचर्स हमेशा सपोर्ट में किए। एक बार हमको याद है कि ग्रेजुएशन में बीएससी में थे हम,
मेरा मार्क्स बहुत ही खराब थे ग्रेजुएशन 49% था, इतना कम बहुत खराब होता है, ये तो एक नॉर्मल से भी लड़कों का भी इससे ज़्यादा ही आता है, मार्क्स बहुत कम आए थे, हम टेंशन में हो गए थे वहाँ पे। तो उन्होंने कहा टेंशन क्या लेते हो, लाइफ में टॉप करो, स्कूल या एग्जाम में टॉप किए ना किए कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर। इसलिए किसी भी लाइफ की एंट्री भले खराब हो लेकिन एग्जिट एकदम तगड़ा होना चाहिए। आपका बचपना भले गरीबी में बीता हो लेकिन आपके माँ बाप की बुढ़ापा कभी गरीबी में नहीं बीतनी चाहिए। और लाइफ में ठोकर लगना तो बहुत जरूरी है क्योंकि ताश में जोकर और जिंदगी में ठोकर कभी भी माहौल बदल सकते हैं। और बुरा वक्त से कभी घबराना नहीं चाहिए क्योंकि बुरा वक्त ही बताता है कि लोग क्या थे और हम क्या समझ रहे थे। लाइफ में सबके साथ चैलेंजेज आते हैं, सबके जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, कठिनाइयों का आना एक पार्ट ऑफ लाइफ है और उससे जीत कर निकल जाना एक आर्ट ऑफ लाइफ है। सबके जीवन में संघर्ष आते हैं, हम लोग के समय में भी आए थे, बहुत सारे लोग ठग के चले गए, हमको तो इतना ज़्यादा ठगा गया कि हम पटना केवल इसीलिए रुके कि हमको घर जाने का पैसा नहीं छोड़ा था, इस तरह से हमको यहाँ पर नुक लिया था। लेकिन हम धैर्य रखे, अपने टीचर से बात किए तो उन्होंने काफ़ी मधुर भाषा में बोला कि देखो बेटा, जीवन में किसी को ठगना पाप है, ठगा जाना कभी पाप नहीं है। तो तुम्हें कोई ठग रहा है तो ये उसकी गलती है, जीवन में तुम किसी को मत ठगना। क्योंकि हम किसी भी इंसान को सीसीटीवी कैमरे से बच सकते हैं लेकिन जो ऊपर वाले ने सीसीटीवी कैमरा लगाया है उससे कोई नहीं बच सकता। इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं ना जिनको अपने बारे में मतलब नहीं है लेकिन दूसरे के बारे में टांग वो ज्यादा लगाएंगे। उन लोगों से कहते हैं भाई दूसरे के ऊपर पीएचडी करने से बेहतर है खुद के ऊपर ग्रेजुएशन कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। 22 मई को रिपोर्ट ऑन खान सर पूरा ट्विटर पर ट्रेंड कर दिया सर, आप लोगों ने देखा होगा, अजीब सा माहौल बना दिया उन लोगों ने। कीजिएगा, वक्त जब बिगड़ता है तो गूंगे भी बुराई करने लगते हैं, जब लोग बराबरी नहीं कर पाते तो पैरों के नीचे खुदाई करने लगते हैं, लेकिन ऐसे लोग ज़्यादा देर तक टिकते नहीं हैं, सारे लोग ख़त्म हो जाते हैं। वैसे भी जब इस कंट्रोवर्सी चल रही थी मेरे ऊपर तो सारे स्टूडेंट ने, सारे शिक्षक, अलग अलग फील्ड के कुछ डॉक्टर्स, वकील, मतलब इवन जो लोग एजुकेशन से डायरेक्ट नहीं जुड़े हैं इनडायरेक्टली जुड़े हैं, उन लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया। आप सभी लोग का आज के दिन बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया। टीचिंग में क्या है कि भाई देखिए, बहुत हम सब की टीचर्स की अलग अलग कोचिंग्स हो सकती हैं, अलग अलग सब्जेक्ट हो सकते हैं, बट सबका ध्येय, सबका उद्देश्य एक ही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षित किया जा सके ताकि हर इंसान अपने फील्ड में आगे जा सके और व्यक्तिगत रूप से देश की भलाई में बहुत सारा काम कर सके। ऐसा नहीं कि किसी जगह पे सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होती, हर जगह कुछ ना कुछ सुधार की गुंजाइश होती है। टीचिंग फील्ड में भी हमने एक चीज़ को देखा है कि मतलब टीचिंग्स में एक टीचर दूसरे टीचर, कुछ ऐसे नहीं, ऐसे 2-4% टीचिंग्स में देखे होंगे कि किसी दूसरे टीचर की बुराई करना या वो ऐसा पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी टीचर को, क्योंकि उसे इंडिविजुअल सोचना चाहिए कि इससे अगर वो किसी एक टीचर्स की बुराई कर रहा है तो इससे वो इंडिविजुअल नहीं रह जाता, फिर एक कैटेगरी। जब आप टीचर बोलते हैं तो एक समुदाय को वो दर्शाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी टीचर्स में आज के वक्त में क्या है कि वही पुराना स्टाइल है कि भाई किताब खोलें और पढ़ाने लगे, तो ये गलत है तरीका। टीचर्स के अंदर खुद सोचना चाहिए कि अगर वो लोग कोई भी टीचर हो दुनिया में, कोई भी अगर खुद से किताब सामने रखेगा तो एक सामने पढ़ने वाले स्टूडेंट का मोरल गिर जाएगा कि भाई टीचर्स ने खुद ही खुद किताब खोल रखा। पढ़ते थे तो एक चीज़ हम लोग के मन में एक चीज़ जरूर घूमता था कि सर को इतना याद कैसे रहता है, क्योंकि हम लोग के टीचर ने कभी किताब नहीं, भरवा रहे हैं तो वो एक मजबूरी है। बट जब समझाने का वक्त हो, एक फ्लो का वक्त हो, तो उसमें नहीं रखना चाहिए, ये सही नहीं है, क्योंकि इससे स्टूडेंट्स का क्या होता है, मोरल डाउन होता है। और स्टूडेंट्स लोग को भी कहते हैं कि भाई आपको क्या है कि एक टीचर का लेवल ऊपर होता है, स्टूडेंट का नीचे। अगर टीचर इस लेवल पे पढ़ाने लगे तो स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा, और स्टूडेंट एकदम नीचे रहेगा तो उसे भी समझ में नहीं आएगा। तो टीचर्स को क्या है कि अपनी भाषा वगैरह सरल करके थोड़ा स्टैंडर्ड नीचे लाना है लेवल को, और स्टूडेंट्स को घर पे थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करके बराबर आना है, तब दोनों में अच्छे से समझ में आएगा। बट यहाँ स्टूडेंट्स को लगता है कि डर नाम का चीज़ नहीं है। गार्जियन को भी कहते हैं कि भाई आप अपने बच्चों को जी जान से मोहब्बत कीजिए, बट उस पर उस तरह से नज़र रखिए जैसे दुश्मनों पर नज़र रखते हैं। समय दोबारा समय नहीं देता है किसी के पास में। लड़का को फ्रस्ट्रेट होता है तो एक बार अपना टाइम टेबल बनाएगा, सुधारेगा, भाई इतना ऐसा टाइम टेबल बनाओ जो दिल में रहता हो। और बहुत से लड़कों को देखते हैं कि सुबह 4 बजे उठते हैं, हमने अपनी लाइफ में कभी 4 बजे नहीं उठे, उठेंगे तो पूरा दिन डिस्टर्ब रहेगा। आप जिस समय कंफर्टेबल हैं उस समय उठिए, लेकिन हाँ एक बार जरूर याद रखिएगा, जितना जल्दी उठेंगे उतना ज़्यादा आपके पास वर्क टाइम ज़्यादा रहेगा। देर से सो के उठेंगे तो आप एक अच्छा सा वर्किंग टाइम को गंवा चुके रहेंगे। तो एटलीस्ट कोशिश कीजिए कि भाई बहुत से बहुत तो 6-7 के बीच में उठ ही जाइए, और पहले उठते हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो पहले नहीं उठते हैं उनके लिए बहुत गलत बात। आप जितना पढ़ सकते हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही पढ़िए। आपकी बॉडी 8 घंटा नहीं सस्टेन कर पा रही है, आप 4 घंटा ही पढ़िए, बट धीरे धीरे उसको इंक्रीज कीजिए।
हर चीज के लिए होता है। आप अपनी बॉडी के हिसाब से किसी काम को करिए। आप किसी भी काम को अगर लगातार 21 दिन करते हैं तो धीरे धीरे वो आपकी आदत बन जाती है। किसी काम को लगातार 90 दिन करते हैं तो फिर वो आप अच्छे काम को करना चाहते हैं या गलत काम को, जहाँ आपको कम्फर्ट मिलता है वो रास्ता कभी भी कोई मंजिल को नहीं ले जाती है, क्योंकि मंजिल वाला रास्ता काफी चुनौतीपूर्ण भरा होता है, उसमें कम्फर्ट कभी नहीं मिलता है। संघर्ष से व्यक्ति को कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ इतिहास गवाह है वो कभी चर्चित नहीं हुआ। और जिंदगी हो या व्हाट्सएप लोग हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। जीवन में संघर्ष का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि फूलों की हिफाजत कांटे ही करते हैं, माली तो बहुत बाद में आता है। और रिकॉर्ड वो तोड़ते हैं जिनके रगों में खून नहीं बल्कि लक्ष्य पाने के लिए जुनून दौड़ता हो। याद रखिएगा, जिस समय आपका किस्मत साथ न दे समझ जाइएगा कि आपकी मेहनत आपका साथ देगी। किस्मत एक लिफ्ट की तरह होती है, कभी भी धोखा दे सकती है, लेकिन जो मेहनत होती है वो सीढ़ियों की तरह होती है। चढ़ने में तो थकान देगी लेकिन कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी, आपको अपने मंजिल तक पहुंचाएगी। और बुलंदी पे चढ़ने के बाद आपको घमंड नहीं बल्कि एक मिलेगा कि मेहनत जरूर की है लेकिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचे। स्टूडेंट लाइफ की सबसे बड़ी खराबी किसी चीज को कल पे टाल देना। आज टीचर के पास कल रिवाइज करेंगे, आज लिखे कल इसको सॉल्व करेंगे, कल पे कोई नहीं टालना चाहिए। जिसने ये कल किया या हमको ये करना चाहिए उनको तो असफलता फिक्स है, उसने असफलता की दहलीज पे पैर रख दिया। जिसने किया कल दिन गया टल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, और जिसने कहा आज उसी ने किया राज। जीवन में संस्कार का भी बहुत बड़ा मोल होता है। आप अपने विचारों से स्वतंत्र रहिए लेकिन संस्कारों से बंधे रहिए। कभी भी अहंकार मत रखिए, क्योंकि आप कितनी भी बुलंदी पर क्यों ना चले जाएं, लेकिन याद रखिएगा आसमान में बैठने की जगह नहीं होती है। जो भी जाएगा उसको एक ना एक दिन, आज नहीं तो कल, उसको वापस तो आना है। इसलिए बुलंदी को देखकर बहुत जल्दी घमंड में नहीं आना चाहिए। और हमेशा याद रखिए, बड़े बुजुर्गों से मिलकर बैठना चाहिए, उनसे बातें करना चाहिए। बड़े नायाब होते हैं ये लोग, कुछ लम्हों में जिंदगी के तजुर्बे बता देते हैं। याद रखिएगा, समय, सम्मान और विश्वास, ये तीन ऐसी चीजें होती हैं जो एक बार अगर हाथ से चली गई तो फिर दोबारा लौट के कभी नहीं आती। जीवन में सबके प्रति दया का भाव रखना चाहिए। और सबसे बेशर्म चीज अगर कोई इस दुनिया में है तो वो गरीबी है। कमबख्त उम्र का भी ख्याल नहीं रखती है। और किसी के वक्त का मजाक मत उड़ाइएगा जनाब, ये वक्त सबके चेहरे याद रखता है। सबके प्रति दया और आदर की भावना रखिएगा। कभी जानवर मिले तो उनके लिए भी दो रोटी निकाल लीजिएगा, क्योंकि जनाब इन्हें नहीं पता है कि खाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। हम सब टीचर्स डे मनाते हैं, मदर डे, फादर डे, कई सारे डे को मनाते हैं। काश एक रोटी डे होता कि कम से कम उस दिन तो देश के गरीबों को भरपेट खाना मिल सकता था। ये जिंदगी है, इसे सीखना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब तक ये समझ में आती है ये आधी खत्म हो चुकी रहती है। इस जिंदगी में आप चाहेंगे कुछ, मिलेगा कुछ, बनना कुछ और रहेगा। बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेनसिटी होती है इस ज़िंदगी में। हर कदम पर हमें कुछ ठोकरें लगती हैं और हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अगर बात करेंगे इस साल की, तो टीचर ऑफ द ईयर, इस बार टीचर ऑफ द ईयर कहेंगे तो कोविड-19 को कहेंगे, क्योंकि इसने बहुत अच्छे अच्छों को सिखा दिया कि वो क्या थे। चंद गज, दो गज जमीन में दफनाया गया उसे जो करोड़ों का मालिक हुआ करता था। सबको समझ में आ गया कि पैसा धरा का धरा रह जाता है, इंसान कठपुतली है। इसलिए मिल बांट कर रहिए, जितनी ज़िंदगी है एक दूसरे से संपर्क में रहिए, एक दूसरे के दुख में सुख में भाग लीजिए। किसी के सुख में जाइए या ना जाइए लेकिन दुख में ज़रूर साथ दीजिए, क्योंकि अपने वो नहीं होते हैं जो तस्वीर में साथ हों, अपने वो होते हैं जो तकलीफ में साथ देते हैं। इस बार इस कोरोना ने बहुत सारे लोगों को, अपनों को खोया। शायद ही कोई ऐसा गाँव होगा जहाँ अपनों ने नहीं, अपने किसी अपनों को नहीं गंवाया। तो उन सब की आत्मा को भगवान शांति दे, उनके परिवार के लोगों को यह हिम्मत दे कि वो इस दुख की घड़ी को निपट सकें, इससे जल्दी से बाहर आ सकें। और जितने लोग हैं जो अभी 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 कोरोना भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, वैक्सीनेशन को बहुत तेज़ी से करें ताकि ये जनजीवन पूरी तरह से अपनी पटरी पर आ पाए। देखिए, बहुत सारे लोगों का कहना है कि कोरोना ने उनका बिजनेस बर्बाद कर दिया, उनका आय का साधन बर्बाद कर दिया, परिवार उजाड़ दिया। हम इस बात को मानते हैं, लेकिन याद रखिएगा, जिसके पास अपने के लिए कुछ नहीं होता है उसे हराना असंभव होता है। अब याद रखिए, अब आपको जिनको ने बहुत ज़्यादा संघर्ष देखा उन्हें हराना मुश्किल होता है, क्योंकि झूला अगर बहुत पीछे जाता है तो याद रखिएगा बहुत आगे का भी सफ़र करता है। इसलिए ज़िंदगी से संघर्ष से सीखना रहना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। आप सब देश के किसी भी कोने में रहें, हमेशा एक दूसरे का साथ दें, अपने गुरु का हाथ पकड़ के चले, जीवन में किसी के पैर पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देश के सारे स्टूडेंट्स को मेरे दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं, उन्हें जल्दी से जल्दी भगवान सफल करें और अपने माँ बाप का सपना लेकर, वो जिस सपने को लेकर वो आगे बढ़ें, जल्दी से जल्दी वो सपना पूरा करें ताकि माँ बाप का भी सीना गर्व से चौड़ा हो सके। हम लोग अब रेगुलर क्लास करते रहेंगे, मंडे से हर एक क्लास अपने टाइम पर लाइव करते रहेंगे। আমি এখন ফিল করছি ভিডিওটা কেন আমি আগে দেখিনি, উনি কিন্তু এখানে অনেক কিছু বলেছে।
টিচারদের নিয়ে যে কথাটা বলেছে সেটা আসলে আমার যে নিজের টিচার ছিল যাদের কাছ থেকে আমি শিখেছি, এবং টিচার বলতে তো সবার প্রথম মাকে বলা হয়, কেননা মার কাছ থেকে আমি কথা বলি। আসলে আমরা কিন্তু সবাই আমাদের মার কাছ থেকেই প্রথমে সব কিছুই শিখি, তারপর আমাদের আস্তে আস্তে টিচারদের কাছে শিখি, আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে শিখি। তো সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে মাই আমাদের প্রথম শিক্ষক বলবো আমাদের জীবনের। আর যেটা এখানে খান স্যারের ভিডিও দেখে জানলাম যে আসলে উনি অনেক অনেক উপদেশমূলক অনেক কথা বলেছেন, কথাগুলো আসলে জীবনের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরি। এখনকার শিক্ষা ব্যবস্থায় অনেক কিছুই ঘটেছে, অনেকেই এখন কিন্তু টিচারদেরকে সেভাবে সম্মান করে না বা অনেক ভয় পায় না। আমরা যেমন ভয় পেতাম, আমরা কিন্তু আমাদের টিচারদেরকে খুবই ভয় পেতাম, এবং টিচারদের সামনে কিন্তু আগে কখনো কেউ মানে কোনো বাজে কথা বলা হোক বা কোনো দুষ্টামি করা হোক, আমার তো মনে আছে আমি স্যারকে যদি দেখতাম কিংবা ম্যাডামকে দেখতাম যে এই রাস্তা দিয়ে আছে, তখন চিন্তা করতাম আমি কোন রাস্তা দিয়ে পালিয়ে যাব, এই পরিমাণ ভয় পেতাম আর কি টিচারদের। তবে হ্যাঁ, আমার লাইফের একজন টিচারের কথা না বললে নয়, আমিনুল স্যার, উনি হচ্ছে আমার স্কুলের টিচার, তো এখনও উনি আছেন একই স্কুলে। বাট আমি ম্যাথে অনেক খারাপ ছিলাম, খারাপ স্টুডেন্ট ছিলাম, বাট ওনার কারণে আমার দেখা গেছে যে না, ম্যাথে আমি অনেক ভালো রেজাল্ট করি। তো সেটা বলবো যে ওনার অনেক অবদান ছিল, কারণ উনি আমাকে অনেক সাহস দেখাতো, আরে কী ব্যাপার, তুমি তো অবশ্যই পারবা, এটা তো পারবা না, এটা এমন কোনো ব্যাপারই না। সবসময় উনি বলতো যে এটা কোনো ব্যাপারই না, এটা তুমি চেষ্টা করতে থাকো, হয়ে যাবে হয়ে যাবে। হ্যাঁ, এবং স্যাররা আমাদেরকে খুব সুন্দরভাবে মোটিভেশন দিত যে আরে এটা তুই পারবি, তোকে কে বলছে তুই পারবি না, হ্যাঁ আজকে পারিস না অসুবিধা নেই, তুই দুই দিন চেষ্টা কর, তৃতীয় দিন পেরে যাবি, তোর দ্বারা এটা সম্ভব। এই যে মোটিভেশন গুলো স্যাররা আমাদেরকে দিত, আমরা আসলে সেগুলো হয়তো বা তখন রিয়েলাইজ করিনি, কিন্তু এখন রিয়েলাইজ করতে পারছি যে আসলে ওনাদের কথাগুলো আমাদের মানে এখনকার লাইফের জন্য খুব মানে আমাদের লাইফে কাজে লাগছে। এবং ওনাদের যে গাইডলাইন গুলো ছিল, আমরা হয়তো বা সব গাইডলাইন গুলো ফলো করিনি, করলে হয়তো বা আমাদের সকলের জীবন আরো বেশি পরিমাণ ডেভেলপের দিকে যেত কিংবা আরো ভালো থাকতাম আমরা। আরেকটা জিনিস যেটা মজার ব্যাপার, খান স্যার উনি কিন্তু বললেন যে আমরা কিন্তু ছোটবেলায় মনে করতাম হ্যাঁ স্যার এত কিছু মনে রাখে কিভাবে, আমরা কেন পারি না। এই জিনিসটা কিন্তু আসলে মজার, ছোটবেলায় সবসময় মনে হতো আচ্ছা স্যার এত কিছু কিভাবে জানে, স্যার এত কিছু কিভাবে মনে রাখে, খুবই অবাক লাগতো ওই সময় যে ওনারা আসলে কিভাবে এত কিছু মনে রাখতে পারে। স্যাররা অনেক গল্প করতেন, হ্যাঁ অনেক গল্প করতো, অনেক বিষয় নিয়ে আমাদেরকে জানাতো। আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে ওনাদের কাছ থেকে কোনো একটা কিছু জানার পরে আমরা কিন্তু বাড়িতে যে আমাদের ছোট ছোট যেগুলা থাকতো ওগুলা বলতাম জানিস আজকে স্যার কিন্তু এটা বলেছে, মানে মনে হতো ওটাই হচ্ছে বাইবেল, ওটার বাইরে কোনো কিছুই নাই, ওটাই চির সত্য। তো তখনকার বিশ্বাসের একটা ব্যাপার ছিল যে টিচারদেরকে কিন্তু আমরা সেভাবে বিশ্বাস করতাম যে ওনারা একটা কিছু বলেছে মানে এটাই সত্য, এর আশেপাশে দিয়ে কোনো কিছু যেতে পারবে না। তো আর ওভারঅল শুধুমাত্র আমাদেরকে যে স্কুল কলেজে শিখিয়েছে ওনারাই আমাদের টিচার না, অ্যাকচুয়ালি পরিবেশ পুরোটাই হচ্ছে আমাদের জন্য শিক্ষক, কারণ আমরা প্রতিদিনই শিখছি। হ্যাঁ এটা ঠিক, সবার কাছ থেকেই শিখছি। সেক্ষেত্রে বলবো যে সবাই আসলে আমার শিক্ষক, সেটা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে আমি শিখছি। কেউ যদি আসলে আমাকে ঠকায় থাকে তাহলে সেও আমার কাছে শিক্ষক, কারণ আমি কিন্তু তার কাছ থেকে শিখেছি যে মানুষ কিভাবে আমাকে ঠকাচ্ছে, তো আমার এখান থেকে কিভাবে সাবধান হতে হবে। এটা একটা বড় জিনিস, আর এ ব্যাপারেও কিন্তু উনিও এখানে অনেক কথা বলেছেন। আর যেটা হচ্ছে যে নিন্দুক কিন্তু সবসময়ই থাকবে, তোমাকে প্রশংসা করার থেকে নিন্দার কথা অনেকেই বলবে। তো লাইফে চলতে গেলে কখনোই হচ্ছে যে নিন্দার কথাটাকে তোমাকে মাথায় রাখতে হবে যে এই ধরনের নিন্দা যাতে না হয় বা আমার দ্বারা এই ধরনের ভুল যাতে না হয়। যদি ভুল হয়ে থাকে আসলে সত্যিকার অর্থে, যদি ভুল না হয়ে থাকে তাহলে সেটা আমার মনে হয় যে কানে না তোলাই ভালো। আর আমার মা একটা ছোটবেলার কথা বলতো যে তুমি একজন মেয়ে মানুষ যখন রাস্তা দিয়ে হাঁটবা তখন অনেকে অনেক কিছুই বলবে, যখন পিছন থেকে তোমাকে ঢিলও ছুটতে পারে কিন্তু তোমাকে পিছন ফিরে তাকালে চলবে না, তাহলে তুমি বিপদে পড়বে, তোমাকে কিন্তু সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে, তোমাকে আরও পড়ালেখা করতে হবে, তো আরও সামনে এগোতে হবে, তোমাকে স্কুল কলেজে ভালো করতে হবে। সবসময় আমাদেরকে আমাকে কিন্তু সবসময় মোটিভেশন দিয়েছে আগে যাওয়ার জন্য। এবং আমাদের যেটা হচ্ছে যে সময় আমাদের জন্য কখনোই অপেক্ষা করবে না, এবং ও যেটা বলছিল যে নিন্দুকেরা পিছন থেকে আমাদের কথা বলতেই থাকবে, কিন্তু আমাদেরকে আমাদের যে গুরুজনরা যেরকম আমাদেরকে পথ দেখিয়ে দিয়ে গেছে কিংবা যারা আমাদেরকে দেখাচ্ছে এখনও, আমরা সেই পথ অনুসরণ করে সামনের দিকে যদি আগাতে থাকি তাহলে আসলে সময় এবং আমার যে পরিশ্রম এটা মিলিয়ে আমরা কিন্তু একটা ভালো পজিশনে পৌঁছে যাব।
আর সবাই আসলে শেষের কথাটাই মনে রাখে, মানে যে শেষ ভালো তো সব ভালো, আমরা এরকম একটা কথা বলি। তো শেষে যেই মানুষ যেখানে যে দাঁড়ায় সেই জায়গাটাকেই কিন্তু মানুষ, হ্যাঁ, সেটা নিয়েই মানুষকে কিন্তু প্রশংসা শুনতে হয় তার, বা সেটা নিয়েই তার খারাপ কথাই শুনতে হয় যদি সে খারাপ কোনো ব্যাপার ঘটে, মানে তার লাইফে ঘটে থাকে। তো সেই জন্য তার শেষটাকে আমরা মনে করবো যে সবারই শেষটাকে ভালো করা উচিত এবং বাবা মার সেবা করা উচিত। অবশ্যই আমাদের জীবনের শেষটা যেন খুব ভালো হয় এবং আমরা যেন বাবা মাকেও সেইভাবে রেসপেক্ট করতে পারি এবং তাদেরকে সেবা যত্ন করতে পারি। আর আসলে ভিডিওটি শেষের দিকে দেখে আমার মনটা বেশি খারাপ হয়ে গিয়েছিল, কারণ আসলে করোনা কিন্তু আমাদের সবার কাছ থেকে অনেক মানুষকে কেড়ে নিয়েছে। আমাদের দেশেও অনেক জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিরা এই সময়, অনেক কবি এবং অনেক সাহিত্যিক এবং সাংবাদিক, অনেক ব্যক্তিই মারা গেছে। তো এই সময় যাদের দেখে আমরা ছোটবেলায় শিখেছি, জেনেছি, যাদের লেখা পড়ে আমরা বড় হয়েছি, দেখা গেছে তাদের অনেকেই মারা গেছে, বা যেসব অ্যাক্টর অনেক ভালো ভালো অ্যাক্টিং করতেন তাদেরকেও দেখেছি যে অনেকেই মারা গেছে। তো এটা আমাদের ক্ষেত্রে যেমন আমাদের দেশে হয়েছে, ওনাদেরও সেম হয়েছে। তো আমি মনে করবো যে আসলেই তাদের আত্মার শান্তি চাই, আর সবাই তার সবার গুরুজনের কথাই যেন মনে রাখে এবং তাদেরকে সম্মান করে। সর্বোপরি উনি শেষে একটা কথা বলেছে যেটা আসলে আমার খুব হৃদয়ে লেগেছে, সেটা হচ্ছে যে আমরা দরিদ্র মানুষদের জন্য আসলে একটা দিবসের মতো যদি উদযাপন করতে পারতাম, যদিও এটাকে আসলে উনি জাস্ট রূপক করতে বলেছে, কেননা পৃথিবীতে অনেক দিবস রয়েছে কিন্তু রুটি দিবস নামে কিছু নেই। একটা দরিদ্র মানুষ আসলে প্রতিদিনই খাবার লাগছে, সে কোনো না কোনোভাবে তো তার খাবার অ্যারেঞ্জ করতে হচ্ছে, কিন্তু দিবসটা দিলে যেটা হতো যে আমরা রিয়েলাইজ করতাম যে না, তার মানে হচ্ছে এই ধরনের পিপল আছে যাদের জন্য আমাদেরকে প্রতিদিনই তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। আর দরিদ্রতা এমন একটা জিনিস যার আসলে কোনো লজ্জা নেই, এটা আসলেই কথা সত্য, কেননা সে ছোটো মানুষের উপরও ভর করে, সেই রকম যে কোনো বয়সের লোকের উপরে আসলে দরিদ্রতা কোনো ধরনের লজ্জা ছাড়াই আসলে ভর করে থাকে। এই তোমার এই কথাটা শুনে আমার মনে পড়লো যে একজন ব্যক্তি, মনে আছে আমাদের এখানে স্বপ্ন যে শপ, যেটা আর বলবো চেইন শপ আছে আমাদের এখানে, তো সেটা একজন ব্যক্তি কিন্তু তার বাচ্চার জন্য খাবার কিনতে গিয়েছিল এবং খাবার চুরি করেছিল সে সেখান থেকে বেসিক্যালি, কারণ তার হচ্ছে করোনার কারণে তার কিন্তু চাকরি চলে গিয়েছিল এবং সেই কারণে কিন্তু সে, তার কাছে কোনো টাকা পয়সা ছিল না, যার কারণে সে বাধ্য হয়েছিল চুরি করতে এবং সেটা ধরাও পড়ে যায়। তো সেই কারণে পরবর্তীতে স্বপ্ন যখন জানতে পারে তখন তাকে আসলে একটা এটার উপরে তাকে ছাড় দেয় এবং সব আরও কিছু জিনিস তাকে ফ্রি দেয়। তো দারিদ্রতা আসলেই কোনো লজ্জা থাকে না সেখানে, যখন আপনার ঘরের বাচ্চা কান্না করবে তখন আপনার নিশ্চয়ই এটা চিন্তা থাকবে না যে আমার চুরি করতে হবে কি ডাকাতি করতে হবে কি বা কাউকে খুন করতে হবে। তো দারিদ্রতার জন্য আসলে সবাইকে লড়াই করতে হবে এবং সবাই যার যতটুকু সামর্থ্য আছে সে ততটুকু হেল্প করলেই ভালো আমার কাছে মনে হয়। আর আরেকটা জিনিস এখানে উনি এটাও দেখিয়েছে যে অভুক্ত কুকুরগুলো যে বসেছিল খাবারের জন্য, আসলে অনেক প্রাণী আছে যারা বলতে পারে না, তাদের ক্ষুধা লাগছে এবং তাদের কাছে, হ্যাঁ, জানে না সেটাই। তো যার যতটুকু সামর্থ্য সে ততটুকু যদি হেল্প করে সেটাই সবার জন্য মঙ্গলে বয়ে আনবে। আর আজকে খান স্যারের এই হৃদয়স্পর্শী ভিডিওটির উপর আমাদের এই রিয়েকশনটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের ভিডিওতে একটি লাইক করবেন এবং কমেন্টস করে জানাবেন আর কোন কোন ধরনের ভিডিও আমরা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারি। আপনারা সব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন। আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি।